नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, सुधांशु जी महाराज। आप सभी इनको जानते होंगे, छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। सुधांशु जी पिछले 28 सालों से भी ज़्यादा से अध्यात्म की दुनिया में हैं। देश और विदेश में अपनी टीचिंग्स के जरिए कई लोगों की जिंदगियाँ बदल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद जी। गुरु जी, एक सवाल जो इंटरनेट में ना चक्कर काट रहा है, बहुत दिनों से हम जानना चाह रहे थे, ये सवाल है, कौन सी पढ़ाई आपको नंबर वन बनाती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये, और आज के यूथ में, हमारे युवा वर्ग में इस बात की सबको उत्सुकता रहती है कि किस तरफ चले। सबसे पहले तो हम ये जाने कि जिस भी पढ़ाई को आप पूरी लगन के साथ करेंगे, अच्छी तैयारी के साथ करेंगे, अनुशासित होकर करेंगे, अपना फोकस अच्छे से बनाकर करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आप सफल होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न केवल इतना ही नहीं है, प्रश्न ये भी है कि किस लाइन में जाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि जीवन भी सफल हो जाए। और लोगों की सफलता में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रहता है कि हमें अच्छा पैसा मिल सके, एक अच्छी पहचान मिल सके और सुख सुकून की ज़िंदगी मिल सके। देखिए, किसी भी लाइन को आप अपनाएं, किसी भी फील्ड में आप जाएं, जिस भी फील्ड में आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और उसमें आप महारत हासिल करेंगे, मतलब विशेषज्ञ बनेंगे, तब आप अपनी पहचान भी बनाएंगे, नेम फेम तो मिलेगा ही, सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। लेकिन एवरेज रह जाने से आप किसी भी क्षेत्र में रहेंगे बहुत अधिक न कमा सकेंगे न समृद्धि पा सकेंगे। हाँ, यदि संयोगवश ऐसा होता है कि आप उतने आगे नहीं पहुंच पाते, तो भी प्रकृति आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें रखती है। ऐसे भी लोग देखने को मिले हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे, दूसरे और कार्यों में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अपना वो रास्ता अपना लिया। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जैसे राजस्थान और गुजरात, वहाँ के लोग जो है वो नौकरी पेशे को ज़्यादा नहीं पसंद करते, व्यापार को महत्व देते हैं और ज़्यादातर व्यापार की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों में जो है ऐसा भी है कि लोग जो है वो नौकरी को पसंद करते हैं, उनको लगता है कि हम एक खास समय में अपना जॉब करके आएं और उसके बाद अपने सुख सुकून से अपने घर में रहें। लेकिन देखने में आया है कि जो लोग अपने कार्य में अच्छे प्रतिभावान हैं और विशेषज्ञ हैं, तो आज मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत अच्छा पैसा देती हैं और अभी तो भारतीय कंपनियाँ भी बहुत अच्छा पैसा देती हैं, तो पैसे के हिसाब से तो आप बहुत अच्छा आगे जा ही सकते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन और है कि ज़्यादातर लोग जो है IQ लेवल को बढ़ाने के लिए तो कोशिश करते हैं, लेकिन EQ लेवल पर काम नहीं करते। उन्हें जो है भावनात्मक प्रतिभा पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वातावरण, अगर उन्हें जॉब मिल भी गया किसी सर्टिफिकेट के कारण, लेकिन उन्हें व्यवहार निभाना नहीं आता, तनाव को झेलना नहीं आता, पीड़ाओं का सामना करना नहीं जानते, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और जिसको AQ बोलते हैं, एडवर्सिटी कोटिएंट, आप समस्याओं में, संकटों में, चुनौतियों में आप जूझ नहीं सकते। तो ये होगा कि नौकरी तो सर्टिफिकेट ने दिला दी, लेकिन व्यवहार ने आपको नौकरी छुड़वा दी। इसलिए किसी भी फील्ड में जाइए, कुछ भी आप पढ़िए, जिसमें भी आप विशेषज्ञ बन सकें, उसी के साथ में आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी आपको जो मजबूत होना चाहिए और खतरों का सामना करना भी आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी को भी अपनी बढ़ाना चाहिए। माता पिता के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को किसी भी काम के लिए खुद करके ना दें, उनसे कराइए। मतलब अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे कहिए कि अपना बिस्तर खुद ठीक करो, अपने नाश्ते की प्लेट खुद लेकर आओ, डाइनिंग टेबल पर रखो, प्यार से खाओ,
और फिर भोजन करने के बाद अपनी प्लेट वापस रख करके मदर को थैंक्स करो। तो आप जो उसको सिखा रहे हैं, या कोई टिकट लेना है, ट्रेन का लेना है, बस का लेना है, मेट्रो ट्रेन का लेना है, बच्चे को आगे कीजिए। उससे उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी आएगी। जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे हैं, उन्हें माइक पर आकर अपनी बात कहनी भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही आपको आगे नहीं ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिए, जो लोग ठीक पहनते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन खुश रहते हैं, अच्छी भाव मुद्रा बना कर रखते हैं, वो जल्दी दूसरों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अनेक लोगों को मैंने देखा है IAS के एग्जाम में वो सफल हो गए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, बात करने का तरीका सही नहीं था। बहुत सारे ऐसे जो एकाएक आपके सामने ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनका आप उस तरह से उत्तर नहीं दे पाते। जिंदगी में आगे जाने के लिए आपको केवल एक ही तरफ नहीं ध्यान देना कि बहुत अच्छे नंबर ले लिए आपने, आपको दूसरी चीज़ें भी साथ जोड़नी चाहिए। और कोई भी चीज़, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप CA बन जाएं, कोई और चीज़ में आप आगे आ जाएं, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे डॉक्टर वही डिग्री लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, पेशेंट उनके पास बहुत अधिक है, और ज़्यादा पेशेंट को अटेंड करने के साथ उनका अनुभव भी बहुत अच्छा हो गया। तो एक ही चीज़ आपको आगे नहीं ले जाती, सिर्फ सर्टिफिकेट से ही बात नहीं बनेगी, कुछ इसके साथ और चीज़ें भी हैं, जब आप उनको साथ में जोड़ लेते हैं तो आप सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस खास चर्चा में हमारे साथ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी YouTube के दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि यही आपको याद दिलाएगी कि हमारी नई वीडियोस कौन कौन सी आ रही हैं। धन्यवाद।